हालेलुया। पैरों पर खड़े हो जाए अपने स्थानों में। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। तारीफ करते हैं खुदा। धन्यवाद यीशु। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शांति, जिस नाम में है मुक्ति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शांति, जिस नाम में है मुक्ति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, हो यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, हो यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, हो यीशु तेरा नाम सबसे
लेकर हम झूमेंगे यीशु के लिए, हालेलुया। हम नाचेंगे यीशु के लिए और गाएंगे भी यीशु मसीह के लिए, हालेलुया। चलो 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 चालू कर दो एक नया साल देने के उपलक्ष्य में। हम गाएंगे तेरे लिए, हम झूमेंगे तेरे लिए, गाएंगे तेरे लिए, हम झूमेंगे तेरे लिए। बोलो बोलो
सबको नया साल मुबारक हो, हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। आज भी यीशु मसीह हमारे दिल में नया जन्म लिया, हालेलुया। नया साल नया जन्म, नया साल नया चीज, हालेलुया। हैप्पी न्यू ईयर, बोलो यीशु मसीह के। हम अपने हाथों को उठाकर एक दूसरे को पकड़ लेंगे और बोलेंगे प्रभु हम सब एक हैं। जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। अपने हाथों को उठाओ और बोलो प्रभु हम आपके आत्मा में एक हैं। हालेलुया, अपने हाथों के एक दूसरे को पकड़ो और इस बात को अपने खुदा को साबित करो, खुदा हम तेरी आत्मा के साथ एक हैं, हम तेरी आत्मा के साथ एक है खुदावन, हम तेरी आत्मा के साथ एक है खुदावन। कोई भी आंख नहीं खोलेंगे, अपने आंखों को बंद करो बेटा, अपने हाथों को उठाओ और एक दूसरे को पकड़ लो, दूसरे को पकड़ लो और आत्मा में एक हो जाओ और लो उसकी अभिषेक। 2023 में बम के समान हर नगर और क्षेत्रों में, जिलों में फटने के लिए अभिषेक। परमेश्वर का उतर रहा है, भाइयों भाइयों बहनों, अपने हाथों को उठाओ, भाइयों बहनों अपने हाथों को उठाओ और लो अपने आत्मा को बड़े फायर को। चिल्लाना पड़ रहा मुझे, आवाज दे बेटा, आवाज दे इसमें। शाबा बा 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 शाका दुनिया, परमेश्वर अभिषेक कर रहे बेटा। अपने हाथों को उठा के रखो, अपने हाथों को उठा के रखो। खुदावन की आत्मा आज अपने आत्मा में एक कर रहा है आज कलीसिया को, उसके बड़े कामों को करने के लिए एक होने के लिए जा रहे बेटा, एक होने के लिए जा रहे। अपने हाथों को उठा के रखो, इस बात की साबित करता है खुदावन हम तेरे साथ खड़े हैं, एक साथ में खुदावन तेरे महिमा को खोलने के लिए खड़े प्रभु। ले फायर, 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 प्रभु के आग में आपको बर रिलीज़ करता हूँ।
लो 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 आपको भी श्वेत कर, आपको मसा कर अपने हाथों को, आपको मसा कर 2023 के लिए मसा 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 आग बने, आग बन जा खुदा की आत्मा को लेकर, खुदा की आत्मा को लेकर आग बन जा, खुदा की आत्मा को लेकर आग बन जा, एक एक लोग आग बन जा, पीछे वाले मेरे आग बन जा, पीछे वाले भाई आग बन जा, इस के नाम में आग बन जाओ, खुदा की आत्मा आपको व्यस्त करे, खुदा की आत्मा आपको मसा करे, खुदा बन की आत्मा पीछे से अभिषेक करो बेटा, पीछे से बहने, पीछे से बहने, फायर 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 बाबा बाबा बाना शका दुंदी अलावाना शबदुरी अलावाना शका दुरे 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 शबा बाबा बाना अलावाना शके दुरे दुरे परमेश्वर के आगे बेटा, परमेश्वर के आगे, परमेश्वर के आगे, परमेश्वर के आगे 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 बेटा, प्रभु यीशु मसीह के आगे, 2023 में जो करना चाहते वो आ गए, 2023 आपका साल है, मैंने कहा 2023 आपका साल है, खुदावंद की कामों को देखोगे, खुदावंद के कामों को देखोगे बेटा, खुदावंद के काम यीशु के नाम में आपके ऊपर रिलीज करता हूं मैं, खुदावंद के काम आपके हाथों पर रिलीज करता हूं मैं, खुदावंद के काम आपके बॉडी पर रिलीज करता हूं मैं, आपके फैमिली पर रिलीज करता हूं मैं, आपके खामों के ऊपर में, आपके बिजनेस के ऊपर में, आपके सेवकाई के ऊपर में, आपके लोगों के ऊपर में, फायर 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 हर जमाने के ऊपर में परमेश्वर मैं फायर को रिलीज करता हूँ, 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 आपके ऊपर में फायर को रिलीज करता हूँ, समझ के नाम में फायर 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 Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Father. Abhishek kar de mujhe teri rooh se ki main ban sakun phoolo tere jaise abhishek kar de mujhe tere rooh se ki main ban sakun phoolo tere jaise abhishek kar de mujhe tere rooh se ki main
की चादर के समा, एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान। बोलो, अपने हाथों को खोलो और अपने अब्बा से बोलो, एक आग के समान, एक बारिश के समान तेरी आत्मा आज मेरे ऊपर में उतर आए पिता। मैं तैयार हूँ खुदाबंद, अपने हाथों को उठाकर बोलो कि मैं तैयार हूँ प्रभु, 2023 के लिए तैयार हूँ खुदाबंद, 2023 के लिए मैं तैयार हूँ प्रभु, मेरे हाथ पे दुगना दुगना दुगना। वो आपको जब मांगेंगे देगा, मैंने कल की रात में कहा कि मांगोगे तो पाओगे, देंगे तो दे मिलेगा और खर्च लाते तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यदि आप मांग रहे परमेश्वर वो आग आपको देगा। सर पर रखूं, बोलो पिता दुगना और ताजा अभिषेक मुझ में हो, अभिषेक मुझ में हो। अपने हाथों को अपने सर पर रखूं और बोलो अपने अब्बा से, बोलो अपने पिता से, बोलो अपने प्रभु से, बोलो 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 अपने मुंह से बोलो, दुगना और वो ताजा वो अभिषेक मुझ में हो पिता। बोलो बेटा, बोलो बोलो बोलो। ओ आग के समान उतर रहा है, आग के समान, आग के समान उतर रहा है। ओ एक ऊपर में, 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 ए
वेदी के ऊपर मैं आप विश्व को ठहरते देखता हूं, मैं ठहरते देखता हूं आपके माथे के ऊपर में अभिषेक बेटा, अभिषेक वो आग है मेरे खुदा का, आग है आग है आग है आग है आग है मेरे खुदा बंद यीशु मसीह का। हुआ तो आपको दिया आज उस खुदा के कामों को निकल कर करने के लिए, खुदा के राज्य को बढ़ाने के लिए, खुदा के आत्माओं को छुड़ाने के लिए, खुदा के राज्य को बढ़ाने के लिए, खुदा की महिमा करने के लिए। वो मशा आपके ऊपर में दिया गया बेटा, वो मशा आपके ऊपर में, Jesus Father name, in Jesus Father name, thank you Lord, I love you to Jesus, I love you Jesus, hallelujah, I love you, प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, एक नई साल में एक नई मशा को हमको देने के लिए, एक नई साल में एक नई मशा को देने के लिए, एक नई साल में एक नई आशीष को देने के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु, एक नया साल हमें देने के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, हम आपके नाम की स्तुति करते हैं खुदा बाप, अपने प्रभु को थैंक्स कहकर बैठो, यीशु मसीह के नाम में ये प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। अपने खुदा को थैंक्स बोलो और बैठो अपने स्थान पर और खुदा का धन्यवाद करो, बोलो यीशु मसीह के, एक विश्वास को करना है, एक बिलीव को करना है, खुदाबंद की आत्मा हमारे बीच में आज ठहर चुका है, बोलो आमीन हालेलुया। खुदाबंद की आत्मा हमारे बीच में आज ठहर चुका है, हालेलुया। हम ब्लेस हैं, बोलो हम ब्लेस हैं 2023 के लिए, 2023 के लिए हम ब्लेस हैं, हम आशीषित हैं यीशु मसीह के नाम में, बोलो आमीन हालेलुया। अब मेरे साथ एक वचन निकालो, खुदा ने मुझे पहला वचन 2023 के लिए दिया, उसे मैं आपको बांटना चाहता हूं, हालेलुया हालेलुया। अब मेरे साथ निकालो गिनती की पुस्तक 6 अध्याय और 24 पद पढ़ेंगे हम लोग, गिनती के पुस्तक 6 अध्याय 24 पद को खुदा ने 2023 के लिए पहला रीमा वर्ड मुझे दिया, हालेलुया। मेरे खुदा ने 2023 का पहला वचन मुझे दिया और मुझे आशीषित किया और कहा कि यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे, हालेलुया। मेरे खुदा ने मुझे पहला वचन दिया, ये मेरे लिए पहला था और आज आपके लिए भी पहला हो जाए यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे, माइक से पढ़ेंगे, यहोवा तुझे आशीष दे, यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे, और तेरी क्या करे, रक्षा करे, हालेलुया। यहोवा आपको आशीष देगा बेटा 2023 में, मैंने कहा कि आशीष का बरस है, हालेलुया। कटनी का साले, फलबंद का साले यीशु मसीह के नाम में, काटोगे भर कर काटोगे, प्रभु के दास ने कहा कि खाली नहीं भरा पूरा रहेगा यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। प्रभु के दास ने बोल कर गया कि नहीं, कौन कहता कि खाली हो जाएगा, नहीं मैं बोल कर जाता हूं, बोलता है खुदा के दास रेवरेंड डॉक्टर टी डेनियल और कहता है भर कर देगा मेरा खुदावन, हालेलुया। भर करोगा बेटा, खुदा का पहला कलाम मेरी जिंदगी में 2023 के लिए मुझे दिया परमेश्वर, और ये कलाम गिनती का पुस्तक 6 और 24 वचन को खुदा ने मुझे दिया और कहा कि यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे, हालेलुया। यहोवा तुझे क्या दे बेटा, आशीष दे
और हम सब की क्या करें, हमारा परमेश्वर रक्षा भी करेगा, आशीष के साथ रक्षा भी करेगा। बोलो आमीन। आशीष तो देगा लेकिन साथ में उसकी सारे सुरक्षा और रक्षा हमारे साथ होगा, इस मसीह के नाम में। बोलो आमीन। हालेलुया, हालेलुया। एक बार इस रेमा वचन के लिए ताली बजाकर यीशु मसीह का स्वागत करेंगे 2023 के लिए। हालेलुया, जोरदार ताली, जोरदार जोरदार जोरदार, इस रेमा वचन के लिए जोरदार ताली बजाओ, जोरदार। प्रभु को लगे कि मेरे बच्चों को जो मैंने पहला वर्ड दिया उसने रिसीव किया, स्वीकार किया। हालेलुया, रिसीव करो कि यहोवा हमें आशीष देगा और हमारी रक्षा भी करेगा। बोलो आमीन। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा क्या देगा बेटा? आशीष देगा, भरा पूरा आशीष होगा, भरा पूरा आशीष, भरा पूरा। आपके परिवार में ब्लेसिंग को देखोगे इस मसीह के नाम में, भरा पूरा अपने कामों के ऊपर में ब्लेसिंग को देखोगे बेटा इस मसीह के नाम में। हालेलुया, आप हर कामों में हाथ डालेंगे, हर कामों में आशीष को देखोगे इस मसीह के नाम में। आपके बच्चों के पढ़ाई में आशीष होगा इस मसीह के नाम में। आपके बिजनेस जो चालू करोगे, क्यों ना छोटा सा लेकिन वो बड़ा रूप देखोगे इस मसीह के नाम में। छोटी सी किसानी में आप बड़े फसल को देखोगे इस मसीह के नाम में। छोटी सी परिवार में बड़ी आशीष को देखोगे इस मसीह के नाम में। ये रेमा वर्ड खुदाबंद ने 2023 के लिए हम सबको दिया इस मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, विश्वास करके रिसीव करना, लेना कि हाँ परमेश्वर 2023 में आप मुझे सब प्रकार के आशीष देंगे और मेरे घर, मेरे परिवार, मेरे बच्चे, मेरे नौकरी, मेरे बिजनेस, मेरे खेत कल्याण, मेरा गाय, मेरा भेड़ बकरियां, सबकी रक्षा आप करेंगे मेरे पिता, आप करेंगे मेरे परमेश्वर, आप करेंगे मेरे प्रभु। आप मेरे रक्षक हैं, आप मेरी सुरक्षा है, आप मेरे ढाल हैं, आप मेरे जीवन का आधार है, आप मेरे आनंद हैं, आप मेरी खुशी हैं। आप सब यीशु मसीह जनावर को मांग लो। हालेलुया, हाँ परमेश्वर के बेटा बेटियों, मेरा खुदा का प्रॉमिस वो पूरा करके रहता है। हालेलुया, उसने व्यवस्था विरण में कहा, क्या परमेश्वर मनुष्य है कि वो झूठ बोले? क्या बोला परमेश्वर ने? कहा कि क्या वो इंसान है कि वो झूठ बोले और वचन देकर उसको पूरा ना करे? नहीं, वो इंसान नहीं, वो खुदा है, वो खुदा है, सारे जहां का बनाने वाला बादशाह है। हालेलुया, सारे इंसान के सांसे उसके साथ में टिका हुआ है। हालेलुया, सारे चीज उसके ऊपर में टिका हुआ है बेटा। वही ब्रह्मांड का राजा है, मालिक है, हमारा इसराइल का राजा का नाम सेनाओं का यहोवा और उसका नाम इसराइल का पवित्र है। हालेलुया, वही पूरे पृथ्वी भर का राजा है बेटा। उसने जो वचन दिया है उसे वो पूरा करके रहेगा। जब तक वो पूरा नहीं करेगा तब तक वो सांस भी नहीं लेगा। हालेलुया, आपको बिलीव करना है चर्च कि आप इस साल में बड़े ब्लेसिंग को देखेंगे, बड़े आशीष को देखोगे, बड़े बढ़ोतरी को देखोगे, बड़े सुरक्षा को देखोगे इस मसीह के नाम में। हो सकता है कि दुष्ट आत्मा आपको सताता रहा होगा, बीमारी आपका पीछा करता रहा होगा, हर प्रकार के रोग आपको बीमार से ग्रसित करता रहा होगा, हर प्रकार के कर्ज में आप दबे रहे होंगे, हर प्रकार के बंधन और जुआ आपके ऊपर में आप 2022 में देखे होंगे, लेकिन आप 2023 में छुटकारा को देखेंगे इस मसीह के नाम में। क्योंकि उसने कह दिया कि यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा भी करेगा। हालेलुया, हर दुष्ट आत्मा से आपकी रक्षा करेगा मेरा खुदावन, हर बीमारी से आपकी रक्षा करेगा, हर शैतान के ताकत से रक्षा करेगा, हर प्रकार की दुर्घटना, खतरे और मुसीबत जो दुष्ट आत्माएं कराता है उनसे मेरा परमेश्वर आपको अपना सुरक्षा देगा इस मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया, विश्वास के साथ बोलो आमीन। हालेलुया, अब मेरे साथ एक वचन निकालो, भजन संहिता 91 का चौथा पद पढ़ो, क्या लिखा, चौथा वचन पढ़ो बेटा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। सुनो, वह तुझे पंखों की आड़ में
ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा, और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झीलम ठहरेगी। सुनो हालेलुया। उसकी सच्चाई हमारे लिए क्या ठहरेगा? झाल और झीलम ठहरेगी, ढाल और झीलम। हालेलुया। ढाल मतलब रोकने वाला चीज। हालेलुया। रोकने वाला चीज। अब अंदर ब्लड जैकेट पहनेंगे, नक्सलाइट गोली मारेंगे, गोली लगेगा, वो ढाल आपके अंदर आएगा, वो सुरक्षा आपके अंदर आएगा। लेकिन खुदा ने कहा उसकी सच्चाई, यदि आप सच्चाई में बने, परमेश्वर के भय में बने, पाप से दूर हैं, बुरे कामों से दूर हैं, हर प्रकार की गंदगी, संसार के हर एक अभिलाषाएं, पाप और नशे से, हर प्रकार के गंदे चाल और गंदे मार्ग से आप मन फिरा चुके, आप नया बनकर 2023 में अपने अब्बा के लिए जी रहे हो, तो आपके सच्चाई आपके लिए ढाल और झीलम ठहरेगी यीशु मसीह के नाम में। आपके पवित्रता ही आपका ढाल होगा यीशु मसीह के नाम में। आपके वफादारी आपका ढाल होगा यीशु मसीह के नाम में। आपके ईमानदारी आपका ढाल होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आप परमेश्वर का प्रेम करते हैं, वो ढाल होगा यीशु मसीह के नाम में। आप खुदा का विश्वास में खड़े, वो आपका ढाल होगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। हालेलुया। यहोवा तुझे आशीष दे और तुझे तेरी रक्षा करे। बोलो आमीन। बोलो यहोवा आप मुझे आशीष देंगे और आप मेरी रक्षा भी करेंगे। यहोवा आप मुझे आशीष देंगे और मेरे परिवार की रक्षा करेंगे, मेरे भाई बंधु की रक्षा करेंगे, मेरे परिवार की रक्षा करेंगे, मेरे फैमिली की रक्षा करेंगे। मैं जहां भी जाऊंगा परमेश्वर, वहां पर तेरा दूत होगा। मैं जहां भी जाऊंगा मेरे खुदा, वहां पर मेरी जीवन में आपकी सुरक्षा होगा। बोलो आमीन। लेकिन आपके सच्चाई आपका ढाल बनेगा। हालेलुया। आपके वफादारी आपका ढाल बनेगा, आपका वफादारी आपका ढाल बनेगा बेटा। हालेलुया। आप वफादार के साथ परमेश्वर के साथ में जीवन बिता रहे हैं तो परमेश्वर आपको अपना सुरक्षा भी देगा यीशु मसीह के नाम में। प्रभु के दास सतीश ने बोला ना, कभी स्टेपनी भी क्या कर देता है, धोखा दे जाता है। हालेलुया। बोला के नहीं? हालेलुया। हालेलुया। हाँ, स्टेपनी को भी भरोसा करते हैं ना, चलो कोई बात नहीं, पंचर हो जाता है, दूसरा टायर लगा देंगे कार में। लेकिन उसने कहा कर गया कि नहीं, कहा कर गया हमें। यदि हम वफादार रहते हैं तो खुदावन स्टेपनी की जरूरत पड़ता नहीं। हालेलुया। ध्यान रखो, खुदावन हमारा स्टेपनी। हालेलुया। खुदावन हमारा बाप है, हमारा राजा है। हालेलुया। वो हमारा ढाल है, वो हमारा सुरक्षा है। लेकिन यदि इंसान उसके साथ वफादार नहीं होते, उसके साथ एक अच्छा जीवन यापन नहीं हो पाता, उसके साथ वफादारी नहीं होती, पवित्रता ही नहीं होता, उसके साथ बदमाशगिरी बंद नहीं करते, तो स्टेपनी भी फेल कर देता है। हालेलुया। खुदा के दास ने बोल कर गया, लेकिन आज मैं आपको बोलूंगा मेरे खुदाबंद के लोगों, खुदाबंद ने आशीष जो दिया है इस रेमा वचन से, आप ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम में। आपके सुरक्षा, आपके परिवार, आपके घर, आपके नौकरी, आपके बिजनेस, आपके आने और जाने में लेकर अब से यहोवा सर्वदा तक तुम्हारे जीवन के साथ करता रहेगा। हालेलुया। बट इतना है कि अपन को अपने प्रभु में वफादार होना है। बोलो आमीन। अपन को अपने चर्च में वफादार होना है। बोलो आमीन। अपन को अपने कामों के प्रति वफादार होना है। बोलो आमीन। अपन को अपने पास्टर के प्रति वफादार होना है। बोलो आमीन। हालेलुया। यदि आप वफादार हैं तो आपकी सच्चाई आपका ढाल बनेगा यीशु मसीह के नाम में। आपकी सच्चाई आपके झीलम होगी यीशु मसीह के नाम में। उस वचन को फिर से पढ़ेंगे, चार वचन। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा, और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा, और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल, उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झीलम ठहरेगी। और तुम्हारे लिए क्या ठहरेगा बेटा? झीलम ठहरेगा।
हालेलुया। आप जब सच्चाई में बने, पवित्रताई में बने, आप खुदा के भय में बने। जवान बच्चों सुनो, हालेलुया। जवान लोग सुनो ध्यान से, यदि आप परमेश्वर के भय में हैं तो आपके सच्चाई आपके लिए ढाल बन जाएगा। हालेलुया। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। हालेलुया। बहुत बार हम इग्नोर करते हैं खुदा के कलाम को, खुदा को इग्नोर करते हैं, खुदा के दास को इग्नोर करते हैं, सेवकों को, लीडरों को, एल्डरों को इग्नोर करते हैं। और इग्नोर करके हम अपने कामों पर बने रहते हैं, अपने पापों पर, अपने स्वभाव में, गंदे चाल में बने रहते हैं परमेश्वर के लोगों। लेकिन यदि आज इस रीमा वचन को ले लोगे बेटा और मन फिरा लोगे, छोड़ दोगे बुरे काम को, छोड़ दोगे बुरे चाल को, छोड़ दोगे बुरे अभिलाषाओं को, छोड़ दोगे लंद फंद की जिंदगी को, छोड़ दोगे अपने शरीर की अभिलाषा को, छोड़ दोगे अपने आप को, अपने खुदा के लिए जीना सीख जाओगे, आपके सच्चाई आपके लिए ढाल बन जाएगा। हालेलुया। एक वचन पढ़ो, भजन संहिता 18 अध्याय 25 और 26 पद में क्या लिखा सुनो। हाँ, दयावंत के साथ, सुनो 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 सुनो, दयावंत के साथ तू अपने अपने को दयावंत दिखाता, और अपने को दयावंत दिखाता, और खरे पुरुष के साथ, और खरे पुरुष के साथ तू अपने को खरा दिखाता है, और अपने को खरा दिखाता है, शुद्ध के साथ, शुद्ध के साथ तू अपने को शुद्ध दिखाता, तू अपने को शुद्ध दिखाता, और टेढ़े के साथ, और टेढ़े के साथ तू तिरछा बनता है, तू तिरछा बनता है। हालेलुया। देखो सुनो, खुदा का कलाम आज क्या कहते हैं हमारे कानों के लिए, क्या आवाज देता है नया वर्ष में। वो टेढ़े लोगों के साथ परमेश्वर टेढ़ा बनता है। हालेलुया। गलत लोगों के साथ परमेश्वर गलत काम करता है। देखो यदि आप अच्छे स्वभाव के तो मेरा परमेश्वर भी आपके साथ अच्छा ही स्वभाव करेगा। हालेलुया। आप गलत स्वभाव के लोग हैं, छोटी छोटी बात में मुंह फुलाते हैं, छोटी छोटी बात में झगड़ जाते हैं, छोटी छोटी बात में चर्च छोड़ देते हैं, छोटी छोटी बात में गालियां बकते हैं, छोटी छोटी बात में अपने आप पे खो देते हैं। आप जैसा करते हैं वैसा परमेश्वर भी आपके साथ बन जाता है। वो सीधे के साथ सीधा बनता है, और टेढ़े के साथ टेढ़ा बनता है, शुद्ध के साथ शुद्ध बनता है, और अशुद्ध के साथ में वो वैसा ही व्यवहार करने वाला परमेश्वर है। बोलो आमीन। हालेलुया। यदि आप बच्चे बने रहोगे बेटा तो मेरा परमेश्वर भी अच्छा परमेश्वर, कभी गलत हो नहीं सकता। हालेलुया। आज रेमा वचन आपके लिए, बोलो मेरे लिए। अब कैसे 2023 को अपनी जिंदगी में आत्मा साध्य करके परमेश्वर के संग चलना चाहते, वो आपके ऊपर बिलीव करता है। हालेलुया। आप सीधे बनकर चलोगे तो मेरा परमेश्वर भी सीधापन दिखाएगा आपके साथ, आप टेढ़े बनकर चलोगे तो टेढ़ापन दिखाएगा मेरा परमेश्वर आपके साथ, आप दीनता में रहोगे तो मेरा परमेश्वर भी दीन नम्र परमेश्वर है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, आप अच्छा जीवन जियोगे तो मेरा परमेश्वर भी अच्छा परमेश्वर है, आशीष देने वाला परमेश्वर है। आमीन। आप पवित्रता में रहोगे बेटा, सुनो, तो मेरा परमेश्वर भी वैसे ही पवित्र जन को आपके साथ में विवाह करने वाला है। सुनो ध्यान से। हालेलुया। यदि आप जवान बच्चे अपने आप को पवित्रता में रखते हो तो आने वाला पल आपका हस्बैंड पवित्र होगा इस मसीह के नाम में। हालेलुया। यदि आज आप टेढ़े बो रहे हो, आप पवित्रताई में जी रहे हो, तो कल दारू पीने वाले से कोई कम नहीं होगा। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं तुम्हारे लिए। सुनो ध्यान से, मेरा खुदावंद कहता है कि इंसान जो कुछ बोता है वो काटता है,
इंसान जो बोता है वो काटता है। हालेलुया। थोड़ा सा इसमें से आवाज खोल दे बेटा, कम हो गया मुझे। बोलो यीशु मसीह के, यदि आप अपने पवित्रता को बना रखेगे तो पवित्र सेवक आने वाला है। भविष्यवाणी करता हूं तुम्हारे लिए, खोजते हुए आएगा तुमको, ढूंढते हुए कहां है मेरे महारानी। हालेलुया। कहां है मेरे जीवन संगनी, वो ढूंढता हुआ आएगा। आदम, आदम आएगा 2023 में यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और आदम के लिए हवा भी आएगी। बोलो यीशु मसीह की। यदि आप पवित्रता में रहोगे तो वैसा ही रिश्ता आपके साथ बनने वाला है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मेरा खुदावन सीधों के साथ सीधा दिखाता है, टेढ़े वालों के साथ में टेढ़ापन दिखाता है। बेटा मेरा खुदावन तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। हालेलुया। ये कमिटमेंट आज आपको करके जाना कि परमेश्वर मैं सब बातों में दीनता में रहूंगी, सब बातों में पवित्रता में रहूंगा, सब बातों में प्रभु तेरी महिमा करूंगा, मैं सब बातों में तेरा धन्यवाद करूंगा, सब बातों में तेरी महिमा करते सेवा करूंगा, सब बातों में प्रभु तुझे ऊंचे पर उठाऊंगा, सब बातों में मैं पवित्रता में खड़ा रहूंगा, खड़ी रहूंगी यीशु मसीह के नाम में। शैतान को कोई अवसर नहीं दूंगा, पाप में मैं जीवन नहीं बिताऊंगा, परमेश्वर तेरे सुसमाचार की सेवा करूंगी, सुसमाचार की सेवा करूंगा। जो लोग नाश हो रहे प्रभु उन्हें मैं परमेश्वर तेरे राह दिखाऊंगा, उन्हें तेरे कलाम को बांटूंगी, तेरे कलाम को बांटूंगा। खुदावन जो दुखों में, जो बीमारी में, परेशानी में पड़े हैं, ऐसे लोगों को खुदावन मैं घरों घर जाकर के खुदावन तेरे कलाम बांटकर मैं चर्च में लाया करूंगा। आपका कमिटमेंट आपका आशीष को खोलेगा चर्च। बोलो आमीन। हालेलुया। इस साल जो आप बोगे वो काटोगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मेरे खुदाबंद बहुत आशीष दे। हमारे सावन मास से दो दिन से हमको सेवा दे रहे हैं, अभी उनका बुकिंग है, उनको छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। मुझे मैसेज आ गया, जल्दी मीटिंग छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। तो क्यों ना हम अपनी आंखों को बंद करें, थोड़ी देर परमेश्वर से बातें करें। थोड़ी देर प्रार्थना करो प्रभु यीशु मसीह से, प्रार्थना करो, बोलो प्रभु मुझे बना, मुझे बना परमेश्वर, जैसा तू पवित्र है मेरे पिता वैसा मुझे पवित्र में ले चल, जैसा तू दीन है परमेश्वर मुझे दीनता दिखा, मुझे दीनता की आत्मा दे प्रभु, प्रभु तेरी आत्मा मुझे दे, तेरी आत्मा मुझे दे मेरे पिता, मुझे बना मेरे प्रभु, मुझे रच, मुझे तैयार कर मेरे खुदाबन, मुझे रच, मुझे तैयार कर मेरे परमेश्वर, मुझे रच, मुझे तैयार कर परमेश्वर, मुझे बना खुदाबन, ताकि मैं पूरे वर्ष प्रभु मैं तेरी बने रहूं, मैं तेरा बना रहूं मेरे खुदाबन। बोलो बोलो बोलो, मुंह खोल के बोलो, मुंह खोल के बोलो, अपने मुंह खोलो। आपकी आवाज आपका परमेश्वर को सुनना चाहिए, आपकी आवाज आपके परमेश्वर तक जाने चाहिए। वो खुदा नहीं मुझको दर्द दे कर खुश हो जाए, वो पिता नहीं मुझको आंसू दे कर चैन से सो पाए, वो खुदा नहीं मुझको दर्द दे कर हो जाए, तो वो पिता नहीं मुझको आंसू दे कर चैन से सो पाए। अबा खुदा तू है मेरा, अबा पिता तू है मेरा।
तुझको लगे, दर्द तुझको होता है, मेरे आंसुओं से पहले तेरा आंसू बहता है, मेरे आंसुओं से पहले तेरा आंसू बहता है, हाथों को थाम कर मुझको जलाता है, अपनी बाहों में हर दम उठाता है, अपनी बाहों में हर दम उठाता है, अबा खुदा तू है मेरा, अबा पिता पिता है, अब्बा खुदा है, वो हमें आंसू में घावों में नहीं देखना चाहता, हमें दुखों में पीड़ा में बीमारी में नहीं देखता, हमें कष्टों में नहीं देखता। मेरे लोगों परन भाई बिल बताती है कि आप और मेरे छुटकारा के लिए पिता ने अपना इकलौता बेटा को दे दिया ताकि हम विश्वास करके नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। वो आपके लिए और मेरे लिए अपना बेटा खुद कुर्बान किया था, आपके शांति और मेरे शांति के लिए, आपके चंगाई और मेरे चंगाई के लिए, आपके सिफा और मेरे सिफा के लिए उसने अपना बेटा का बलिदान किया। उसका बेटा इस धरती पर मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों से जी उठा और आज वो जिंदा है, वो अब्बा है। अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा। अपने प्रभु को बोलकर उससे गले लगा लो आज, हो सकते कि अब तक उसके गले में आप लिपटे नहीं रहे होंगे, हो सकते कि कुछ कारण कुछ चीज आपको खुदा से दूर रखा होगा, लेकिन एक बार बोल दो और उसके गले लग जाओ,
तुम्हारी सच्चाई तुम्हारे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी यीशु मसीह के नाम में। एक बार बोलो, एक बार। एक बहुत अच्छा अवसर हमको दिया गया कि हम अपने प्रभु से गले लगा लें, अपने प्रभु से लिपट लें, लिपट लें, लिपट लें। अबा खुदा अबा पिता तू है मेरा, अबा खुदा तू है मेरा, अबा पिता तू है मेरा। जिस रात यीशु पकड़वाया गया, रोटी को लेकर तोड़ा और कहा कि ये मेरे देह तुम्हारे लिए तोड़ा जाता है, और ब्यारे के पीछे कटोरा भी लिया और कहा कि ये लहू में नहीं वाचा है, जब कभी तुम इसे खाते और पीते हो तो जब तक मैं ना आऊं मेरे मृत्यु के प्रचार करते रहो। उसका मृत्यु का प्रचार यही है कि यीशु मसीह सारे मानव जाति के पाप के लिए मर गया, उसको गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों से जी उठा, और आज वह जिंदा अब्बा है, जिंदा खुदा है बेटा। जितने लोग उसके शरण में आते हैं वो जीवन पाते हैं, उसका जीवन बहुतायत का जीवन है। उसने कहा मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत से पाओ। बहुतायत की आशीष आपकी है बेटा, बहुतायत का जीवन आपका है। यदि अब्बा के पास आकर लौट कर आ गए हो आज, तो मैंने कहा कि आशीष आपकी है 2023। उसने कहा यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। सचमुच मेरा यहोवा तुझे आशीष दे और तुम हर एक की रक्षा करे। मेरे खुदा ने इस रोटी को तोड़कर अपने लोगों को बांटा और उस कटोरे को सबको बांट दिया जो उस रात 12 चेले थे। आज आपके लिए है ये रोटी, प्रभु का देह है, ये दाखरस यीशु का लहू है। उसने कहा जो कोई मेरे मांस खाता है, जो कोई मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है। मैं अंतिम दिन फिर से जिला उठाऊंगा। यस, उसका रेमा वचन, उसका वायदा पक्का है। वो मनुष्य नहीं कि वो आपको झूठ बोले, वो इंसान ने कि अपनी इच्छा को बदल डाली। खुदाबंद जो बोला है वो पूरा भी करेगा, पूरा भी होगा। उसने कहा कि यहोवा तुझे आशीष दे, तेरी रक्षा करे, तो आपको 2023 में आशीष देकर रहेगा, आपके पर खुदा का सुरक्षा बने रहेगा। इन जीसस फादर ने यीशु मसीह के सामर्थी नाम में दुआ मांगते हैं, बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया। फ्री करे, ब्लेस करे और बड़े कावा करे, नवाज देखो दमन की आत्मा, हील द माटी रिवाइव करे दमन की आत्मा। आपको हर लोगों को 2023 में इस्तेमाल करे इस मसीह के नाम में, हर लोगों को इस्तेमाल करे इस मसीह के नाम में, हर लोग इस्तेमाल होने पाओ इस मसीह के नाम में, हर लोग इस्तेमाल हो इस मसीह के नाम में, हर लोग, हर लोग, हर लोग इस मसीह के नाम से बड़ी ब्लेसिंग को देखो अपने लाइफ में, बड़ी आत्मा में बढ़ते जाओ और बड़े काम करो खुदावंत के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको आशीषित कर देता हूं, बोलो आमीन।